अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अरूज काजमी और हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी। जी, सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के अजीम तरीन शख्सियात से और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें और देखते हैं आपके और हमारे यादों के हसीन एल्बम्स जिनमें ड्रामास हैं, सॉन्ग्स हैं और साथ साथ बहुत कुछ है जो आपकी और हमारी यादों में महफूज है। हमारा आज का शो एक म्यूज़िकल शो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे गीतों की, गज़लों की और पाकिस्तान टेलीविज़न पर होने वाले मौसीकी के अनगिनत प्रोग्रामों की और तमाम गुलूकार, शायर और मौसीकारों की, और अपने मेहमानों से सुनेंगे उनकी पसंद के गीत और गज़लें। तो जी, आइए करते हैं सफ़र मोहब्बतों का शुरू और तारुफ करवाते हैं अपने पहले मेहमान का, जो एक गुलूकार भी हैं और एक अच्छे मेज़बान भी हैं। बहुत अच्छा तो बोलते ही हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं ये। मौसीकी की दुनिया में इनका अपना एक अलग नाम है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। हमारे दूसरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनका ताल्लुक भी गायकी के शोबे से है। इनका भी अपना एक अलग अंदाज है और अपनी एक अलग पहचान है। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले इनके नाम, इनके काम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। बहुत अच्छा, मीठा और सुरीला गाते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम टू शो। थैंक यू। हमारे आज के तीसरे मेहमान का ताल्लुक भी मौसीकी से है, यानी कि गुलूकारी से है। ये भी बहुत खूब गाते हैं। इनका अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है। आज के शो के हवाले से आपको एक ख़ास बात बताते चलें कि हमारे आज के तीनों मेहमान निसार बज़मी साहब के शागिर्द हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब तनवीर अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो जी, आज हमारा शो होने जा रहा है म्यूज़िक पे, गज़लों पे। आई थिंक जो कि 90s, 80s के दौर में हम PTV पे चीज़ें चलती थी, आज उन चीज़ों से बहुत लोग तो जानते हैं और बहुत लोग उस चीज़ों से वाबस्ता ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? 90s, 80s तो आपने बहुत बात की बात कर दी। 60s से शुरू करें। 60s से शुरू होगा। अच्छा, ओके। क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न में जिस तरह की गज़ल, गीत, नगमे, इवन पॉप, अच्छा, जो कुछ भी मौसीकी हुई है और क्लासिकल भी, एक तरफ प्योर क्लासिकल, एक तरफ प्योर पॉप, अच्छा, और फिर बीच में जितने भी जॉनराज हैं, फोक ले लें, गज़ल ले लें, गीत ले लें, लाइट म्यूज़िक ले लें, हर तरह का म्यूज़िक पाकिस्तान टेलीविज़न ने प्रोड्यूस किया है। और कमाल की बात यह है कि हर शोबे में एक ना एक बड़ा नाम, एक ना एक नहीं कहना चाहिए मुझे, बहुत सारे बड़े नाम ऑलमोस्ट हर शोबे में प्रोड्यूस किए हैं। और ना सिर्फ बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं, सुपरहिट हर शोबे में गाने, गज़लें, गीत वो आज तक लोग सुन भी रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं। तो सर, मुझे आप ये बताएं कि फिर क्यों इतना कम हो गया है गज़लों का वो जो रुझान हुआ करता था? आजकल सब बहुत फास्ट म्यूज़िक की तरफ चले गए, उसकी क्या वजह है? देखिए, PTV जो काम करता था ना, PTV के पेशे नज़र कोई भी जो है ना मॉनिटरिंग या मतलब वो टेली मार्केटिंग का निज़ाम नहीं था, TRPs का कोई चक्कर नहीं था। जी जी। PTV बनाता था अपनी कौम के लिए, उसकी ज़ौक की नशोनुमा करने के लिए चीज़ें बनाता था। तो उसके नतीजे में आपके पास तरन्नुम जैसे प्रोग्राम, उस्ताद सलामत नज़ाकत जैसे गवैये, और बड़े बड़े फोक उठा लें तो तुफैल नियाज़ी साहब का लोग तमाशा ले लें, और इस तरह से गीत गज़लों के प्रोग्राम ले लें, कव्वालियों के प्रोग्राम ले लें, तो वो कि तमाम असनाफ के असातज़ा और फ़नकार जो है वो PTV पर बयक वक्त काम कर रहे होते थे, क्योंकि PTV रेटिंग के लिए काम नहीं करता था। PTV ट्रेंड सेट करता था, उस पर रेटिंग आती थी और दुनिया उस ट्रेंड को फॉलो करती थी। अभी भी कोशिश हो रही है, राग रंग भी शुरू हुआ है और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा वो उसकी बुनियाद यहीं से पड़नी है। तो चलते हैं, हम आपको एक शोरील दिखाते हैं। इश्क तुम मेरा यार तुम, तकाजे ना निभाए जाते।
गुजर गए हैं तेरे इल्तफात में दाग़े दिल हमको याद आने लगे गुलज़ारे शाम लगा है किसने ऐ जज़्बाए दिल दिल विच रांझे दख्यार नहीं मैं जाना खेड़ियां बेदार मेरी हम जोलियां कुछ यहां कुछ आस रही है मेरे ख्यालों पे छाई है सूरत मताली सी बल्ले बल्ले वही तोड़ पंजाब है नाद रुकने वाला दिल मजबूर कर ब्लैक एंड वाइट ज़माने के सॉन्ग्स ठीक है और मुझे आप ये बताएं आपको नहीं लगता कि इन सॉन्ग्स को दोबारा रिवाइव करना चाहिए दोबारा से आना चाहिए बिकॉज आप लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं बिल्कुल जी मैं समझता हूँ कि अभी जैसे हमने ये शो रील देखी है और ये सब ब्लैक एंड वाइट के दौर के ये हमारे सब लेजेंड्स हैं जिनको सुन सुन के हमने सीखा है और कितना खूबसूरत एक गुलदस्ता है ये हर फूल की अपनी खुशबू है अपनी पहचान है और अगर इसमें से किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते कोई फोक का लेजेंड है कोई गज़ल का लेजेंड है तो ये एक पीटीवी का एक खासा था कि पीटीवी ने ये सारा गुलदस्ता एक इकट्ठा किया जी। और अब मैं समझता हूँ कि इस दौर में गो के चैनल्स इतने सारे हो गए हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे जो नए लोग इनको क्या कहना चाहिए कि जो जैसे आपने कहा कि हम इनको दोबारा रिवाइव करें तो बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल लेकिन ये कि अब वो एवेन्यूज नज़र नहीं आ रहे कि जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यूथ है वो इनसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक तो ये कि आपने शायद एक बात नोट नहीं की मैं नाज़रीन तक भी ये पहुँचा दूँ आप सब तो जानते ही हैं जो कुछ आपने दिखाया ना अभी ब्लैक एंड वाइट के दौर का इसमें से शायद 99% सिवाय एक दो गानों के उस सारे गाने टीपीटीवी की प्रोडक्शन थे और वहाँ से हिट हुए थे एक आध गाना फिल्मी था इसमें वरना सारी चीज़ें गज़ल हो फोक हो क्लासिकल हो गीत हो जैसे मैंने शुरू में कहा सिमिलरली इसमें जो आर्टिस्ट थे उसमें से 90% आर्टिस्ट जो हैं वो पीटीवी की पैदावार है पीटीवी से सामने आए अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी जानिब दानिश में बहरहाल बड़े नाम थे मगर शनाख्त उनकी पीटीवी बना बिल्कुल मेहदी हसन साहब भी थे इसके अंदर इसमें इकबाल बानो साहिबा भी थी फरीदा खानम साहिबा भी थी यानी मैं गीत गज़ल की बात करूँ नैया नूर साहिबा भी थी
फोक में तो फैल नियाजी साहब को, ये सब बड़े नाम है, परवेज मेहदी साहब थे, बड़े नाम है। उसके बाद फिल्मी आपने देखा, मसूद राना साहब थे इसमें, अहमद रुजी साहब थे, ये सारा फिल्मी दौर इन्हीं की नज़र है। इवन क्लासिकल आर्टिस्ट भी जो हैं वो भी सलामत अली साहब और अमानत अली साहब और फतेह अली साहब, इनके भी प्रोग्राम्स जो हैं वो पीटीवी से ही उनकी पहचान बनी। भाई एनुअली पीटीवी भी 2-3 हज़ार गाना नया प्रोड्यूस करता था हर साल। हाँ। कैसेट इंडस्ट्री 7 हज़ार के करीब नया गाना प्रोड्यूस करती थी, और फिल्म का एक एवरेज मौसीकार जो है उस वक्त 50-60 गाने हर साल बनाता था। बिल्कुल ऐसे। तो जब इतना बड़ा काम हो रहा हो पीटीवी के ओरिजिनल गाने, अच्छा हम तुफैल नियाजी साहब और शौकत अली साहब जैसे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस को हम फोक, ट्रेडिशनल फोक में कंसीडर करते हैं, हालांकि वो ओरिजिनल उनकी कॉम्पोजिशन। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, दूसरी चीज़ जो बात हो रही थी कि आज हम इनको रिवाइव, मैं कह रहा हूँ ज़रूर रिवाइव करें, मगर आज ऐसा ही नया भी बनना, नया काम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिवाइव तो हम करते रहेंगे, ये तो हमारा ख़जाना है, मगर हमारा, अब आपने जो बात की कि नया काम क्यों नहीं हो रहा, बात ही अगर इन गीतों के और इन गज़लों के पीछे जाएं तो इनके अंदर बड़ा शायर लिखता था। बिल्कुल ठीक है, कौन सा शायर है जिसने नहीं लिखा टीवी के लिए, फैज साहब से लेके, फराज साहब से लेके, सूफी तबस्सुम साहब से लेके, हिमायत अली शायर साहब से, मैं नाम लेता चला हूँ। सिमिलरली कितने बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स पीटीवी के लिए काम करते थे, बज़मी साहब काम करते थे, सुहेल राणा जो रेगुलरली करते थे, सुहेल राणा साहब, खलील अहमद साहब, ये सब वो लोग हैं जो रेगुलरली काम करते थे, नजर हुसैन साहब, करीम शाहबुद्दीन साहब, कितने लोग। अच्छा फिर म्यूजिशियंस उसी हिसाब से थे, जो बैच बैठता था तो एक एक आदमी नगीना था, एक एक आदमी माहिर था अपने, और ये एक कंपटीशन विद इन पीटीवी के दो सेंटर्स के दरमियान भी रहता था, लाहौर सेंटर एक प्रोग्राम है, हर हफ्ते एक कराची से हो रहा था और एक हर हफ्ते लाहौर से हो रहा था। और मैं सलमान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज कर दूं कि अगर हम इनको रिवाइव करने जाएंगे ना तो एक पूरी नस्ल इस रिवाइवल की नज़र हो जाएगी, नया काम नहीं होगा। आज भी बड़े शायर मौजूद हैं, बड़े तर्ज निगार मौजूद हैं, बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं, बड़े म्यूजिशियन मौजूद हैं, अब काम नहीं देंगे तो सब वैसे ही मर जाएंगे। सही बात। असल में तनवीर बात ये हो गई है कि आजकल ज़माना थोड़ा सा शॉर्टकट का हो गया जी, कि आपने सारी चीज़ें कंप्यूटर पर डाली, इवन एक पीस बजा के उसको कॉपी पेस्ट आगे कर लिया, चार दफा अगर आ रहा है वो पीस, तो सर प्रोडक्टिविटी तो खत्म हो गई ना, क्रिएटिविटी खत्म, प्रोडक्टिविटी नहीं खत्म हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि पहले एक दिन क्रिएटिविटी खत्म हो गई ना, एक दिन में शायद एक गाना भी नहीं होता था, आज एक दिन में आप 2 गाने बने, 3 गाने बना सकते हैं कंप्यूटर पे जी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्रिएटिविटी कम हो गई। अब जैसे टेस्ट मैच होता था पहले, फिर क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज हुआ, वनडे हुआ, फिर अब T20 चल रहा है जी, बिल्कुल। इसी तरह अब पहले जो है 10 मिनट की गजल होती थी, फिर 4 मिनट का गाना आने लगा, गीत गाने लगा, अब जो है शॉर्ट्स होते हैं 1-1 मिनट के, 25-25, 30-30 मिनट गाते थे मेहदी हसन साहब एक गजल को। भाई क्लासिकल सिंगर जो क्लासिकल के प्रोग्राम होते थे उसमें अलाप 20 मिनट का होता था जी, बिल्कुल, उस राग का माहौल बना, जो कि जरूरी है क्लासिकल में बनाने। खैर चले, हमें वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नया काम जरूरी है, नया काम जरूरी है। सलमान साहब मुझे आप बताएं कि आपका ताल्लुक भी तो पीटीवी से है, तो आपका स्टार्ट किस तरह हुआ? कोई भी आर्ट वो बाय बर्थ उसमें वो जरासीम मौजूद होते हैं, फिर आप उसको नर्चर करते हैं। सही, मतलब डायमंड तराशा जाता है ना जी, बिल्कुल, तो निकलता तो बड़ा कोरा है मगर उसको तराशना पड़ता है, तो तराशे बगैर तो काम नहीं होता, मतलब आप ठीक है आप डायमंड रहेंगे मगर जो तराशे हुए डायमंड की चमक होगी वो उसमें नहीं होगी। तो ये जैसे सब सीखे हुए हैं, मैं भी सीखा हूँ, मुख्तलिफ उस्तादों से सीखा हूँ, बज़मी साहब का बाकायदा शागिर्द दे रहा, मगर बज़मी साहब के साथ बहुत मोहब्बत का रिश्ता था, बहुत सीखा उनसे, ये लोग तो बाकायदा शागिर्द रहे हैं, बाकायदा शागिर्दी की है, मेरे दूसरे उस्ताद रहे हैं जो जिनसे बाकायदा शागिर्द, वैसे तो सबसे ही सीखता रहा। पहला प्रोग्राम जब यहाँ से किया था म्यूज़िक का, तो वो सुहेल राणा साहब बच्चों का प्रोग्राम करते थे, तो उस बच्चों के प्रोग्राम से नाजिया हसन भी निकली, उस बच्चों के प्रोग्राम से हम भी निकले, उस बच्चों के प्रोग्राम से और बहुत सारे बड़े बड़े नाम निकले, बिल्कुल, तो वो प्रोग्राम बाकायदा यहाँ से होते थे तो उन्हीं में से निकलता था ना कोई। वेरी नाइस सर, आपकी बातों में इतना मजा आ रहा है, इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं, लेकिन टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, उससे वापस आके हम आपसे जरूर कुछ सुनेंगे, तो नाज़रीन हम लोग चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। Thank you.
तो नाजरीन हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सुनेंगे, तो सर हम आपसे शुरू करेंगे, आप क्या सुना रहे हैं हमें? अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन गाने के लिहाज से मेरी पहचान बना, जैसे औरों की वैसे मेरी। गाना तो खैर म्यूज़िक में तो मैंने बताया ना कि मैं बहुत बचपन से था जी, रेडियो में, रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम करता था जब टीवी नहीं था, फिर टीवी आया तो टीवी से शुरू किया, बच्चों के शोज़ किए, ज़ाहिर है बहुत सारे गाने मैं इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। अच्छा। वो बजाए। गज़ल में मेरी जो पहचान है ना वो PTV का प्रोग्राम था और ये लेट 70s की बात है। अच्छा। जिस वक्त मैंने एक गज़ल कतील सिफाई साहब की गाई थी, इंशा जी उठो अब कूच करो, ये सबको याद है। और इंशा जी फिर वफात पा गए, जहाने फ़ानी से रुख्सत हो गए, उस्ताद अमानत अली खान साहब भी रुख्सत हो गए। तो उसके बाद कतील सिफाई साहब ने दोस्त की याद में कही थी, इंशा जी उठो अब कूच करो को सामने रख के उसका जवाब लिखा था कि ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें ना बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ ना जाओ इंशा जी। तो ये मैंने जब पहली दफ़ा PTV से गाई तो ये इंस्टेंट लोगों को पसंद आ गई और मेरी पहचान गज़ल के फील्ड में यही बनी थी। तो मैं इसका एक बुखड़ा गुनगुना देता हूँ। हे रे ये किसने कहा तुम कुछ करो, ये किसने कहा तुम कुछ करो, बातें न बनाओ इनशा जी इनशा जी इनशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ ना जाओ इनशा जी इनशा जी इनशा जी, ये किसने कहा तुम कुछ करो। एक रोज तो क्या वो हश्र तलक रखेगी खुला दरवाजे को, एक रोज तो क्या वो हश्र तलक रखेगी खुला दरवाजे को, कब लौट के घर को आओगे, कब लौट के घर को आओगे, सजनी को बताओ इनशा जी इनशा जी इनशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ ना जाओ इनशा जी इनशा जी इनशा जी, ये किसने कहा तुम कुछ करो। जरा कराची के फ्लू का मारा हुआ हूँ तो आवाज पूरी तरह बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया।
और एक टुकड़ा उसका भी सुना दूं जो फिर मेरी बात की पहचान बना। हाँ, वो भी बहुत तो मेरी फरमाइश पे है। जरूर जरूर। फैसल की फरमाइश पे। और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो इस गजल को जरूर फरमाइश करते हैं हर महफिल में। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। बहुत शुक्रिया, इट इज़ वंडरफुल। थैंक यू जी। तो मुझे वैसे आप लोग ये बताएं कि ड्रामा की मतलब जो टीवी है, टीवी की मौसीकी में और फिल्म की मौसीकी में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है और नहीं भी है। सर आप बताएं क्या फ़र्क है? फ़र्क तो ऐसा ही है जैसे टीवी का और फिल्म का फ़र्क है, वो तो अपनी जगह मौजूद ही है। टीवी में थोड़ा सा ये कि घरेलू माहौल होता है और मीठा मीठा ज़रा काम होता है, फिल्म में बड़ा ग्रैंजर होता है, बड़ा लाउड काम होता है जी। और उसी तरह से उसका म्यूज़िक भी अरेंजमेंट भी बहुत लाउड होता है। अच्छा। तो लेकिन ये कि हमारे फिल्म के ऐसा भी स्कोर है कि जो बहुत मेलोडियस और बहुत मीठा और बहुत सुरीला काम भी हुआ हुआ है, जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हैं, निसार बज़मी साहब की बहुत सारी मेलोडियाँ हैं, रशीद अत्रे साहब हैं जी सर, ये हमारे तनवीर भाई जो है ना, ये फिल्म के बहुत इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनसे हम ये सवाल इनसे करने वाला है। बुनियादी फ़र्क जो मेरी समझ में आया वो ये है कि फिल्म का गाना एक सिचुएशन के मातहत लिखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली उसकी ट्यून बनती है और उसी के मुताबिक उसकी ऑर्केस्ट्रेशन होती है। ठीक है। कि कहाँ पर बैंग्स होंगे, कहाँ पर रोमांस होगा, कहाँ पर इफ़ेक्ट्स होंगे और कहाँ पर ऊंचे सुर होंगे, कहाँ पर नीचे सुर होंगे, तो वो शायरी, तर्ज और आवाज़ें फिल्म की सिचुएशन और उनके किरदारों के मुताबिक होती हैं। लेकिन टेलीविज़न का गाना प्योरली एक शायर का जो थॉट होता है उसके तखय्युल का अक्कास होता है। अच्छा। तो ये एक मेजर फर्क है। वाओ, और उससे ज्यादा फर्क अगर आपको पूछना है तो फिर ये हमारे सलमान भाई। नहीं, बुनियादी फर्क यही है, क्योंकि सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं। लेकिन एक आउटडोर का सॉन्ग, उसका ऑर्केस्ट्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक कमरे में हीरो हीरोइन बैठ के गा रहे हैं, उसका कुछ और होगा। पहाड़ की चोटी पे गा रहे हैं,
कुछ और वो होगा, फिर उसकी सिचुएशन क्या है, मतलब पहाड़ पे अगर हीरोइन चढ़ रही है और सुहेलाना साहब ने जैसे अकेले ना जाना का ग्रैंजर बनाया था एंडिंग, उसमें सीन अगर आप देखें तो वो सिचुएशन ऐसी है कि बड़ी गंभीर किस्म की सिचुएशन है, उसी तरह का ऑर्केस्ट्रेशन उन्होंने किया, तो ये सिचुएशनल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी एक और भी बात है, दूसरी बात ये है कि टेलीविज़न का गाना जो है, नॉर्मली टेलीविज़न स्क्रीन, टेलीविज़न जो आपके सेट्स होते हैं उस पर ऑडियो जो आती है वो छोटे स्पीकर से आती है। फिल्म में जब आप थिएटर में जाते हैं वहाँ का आपने ऑडियो देखा है क्या, तो उस हिसाब से उसका ग्रैंजर भी रखना पड़ता है, तब वो इम्पैक्ट आएगा। अगर वहाँ मैं एक खाली तबला और हारमोनियम के ऊपर गाना रिकॉर्ड कर दूंगा तो फिर मेरी साहब को ही गाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं का इतना बड़ा ग्रैंजर आता है दो इंस्ट्रूमेंट के साथ और वो सिर्फ एक ही है, राइट। तो फिर वो जो जो फिल्म देखने गया है ना, उसको वहाँ हॉल में वो ग्रैंजर नहीं मिलेगा, टेलीविजन पे तो मिल जाएगा, ग्रैंजर को भी अगर स्मॉल स्पीकर से सुनेंगे मिल जाएगा। एक फर्क ये भी रखा है, फैसल साहब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका इंट्रो कैसे हुआ टेलीविज़न पे? मेरा जनाब इंट्रो ऐसे हुआ कि मैंने निसार बज़मी साहब से सीखना शुरू किया, उस वक्त मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में था जी, और उनके पास कुछ अरसा हो गया था मुझे, तो टेलीविज़न पे पीटीवी पे एक प्रोग्राम शुरू किया सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने जी, उसका नाम था धनक। अच्छा। और वो जो पहला पायलट प्रोग्राम था उसमें बज़मी साहब से उन्होंने म्यूज़िक दिया। अच्छा। उसका म्यूज़िक बज़मी साहब ने दिया और उसका आइडिया ये था कि एक मशहूर और फेमस आर्टिस्ट होता है और उसके साथ दो या एक नए गुलकारों को मौका दिया जाएगा। अच्छा। तो बज़मी साहब का चूंकि मैं शागिर्द था तो उन्होंने मुझे और हमारे एक और साथी गुलकार हैं सदफ़ मुनीर, वो भी बज़मी साहब की शागिर्द हैं, तो हम दोनों को बज़मी साहब ने उस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराया। okay. और उसमें जो मेन लीड सिंगर थी वो टीना सानी साहिबा थी। अच्छा। तो वो मेरा पहला प्रोग्राम था, पे मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से हुआ। तो फैसल साहब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा है फैज़ ने जो फरमाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है। जब देख लिया हर शख्स यहाँ
माया है सब माया है माया है सब माया है। बहुत खूब बहुत ज़बरदस्त था, पर हमारा अभी टाइम हो गया एक ब्रेक का। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर हम वापस आते हैं और हमारी मज़े मज़े की बातें और मौसीकी इसी तरह जारी रहेगी। जी नाज़रीन, तो हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और उससे पहले हमने आपको एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल सुनाई फैसल साहब की ज़बानी। अब हम चलते हैं रंगीन दौर की तरफ, यानी कि हम देखते हैं एक शोरील जो कि रंगीन दौर के सॉन्ग्स की है। कैसी लगी आपको, क्योंकि पहले हमने ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने के सॉन्ग्स प्ले किए और अब हमने कलर ज़माने के सॉन्ग्स प्ले किए, तो प्लीज़ अपना फीडबैक। हमें दोनों से मोहब्बत है क्योंकि दोनों में हमारे असातज़ा कराम जो हैं उन्होंने काम किया हुआ है,
और तकरीबन इन सब लोगों में हमारी ज़िंदगी गुजरी है। बिल्कुल, ये सब लोग हमारे अपने हमारे रिलेटिव रिलेटिव से भी ज़्यादा बढ़ करें फैमिली है, फैमिली है। तो सर आपकी शुरुआत पीटीवी से कैसे हुई? मेरी शुरुआत तो वैसे तो मेरी कैसेट्स इंडस्ट्री से हुई थी, मैं कैसेट और एल्बम के ज़रिए आया और पीटीवी पर मैंने एक नेशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। अच्छा। और वो कॉम्पिटिशन मैंने खुशकिस्मती से जीत लिया था। माशाल्लाह। तो तस्लीम असलम साहिबा यहाँ पर प्रोड्यूसर थी बड़ी अच्छी, जिन्होंने हुमायूं सईद और बाबर अली जैसे टैलेंट भी मुतारिफ करवाए, ये भी पाकिस्तान टेलीविजन का क्रेडिट है। तो उन्होंने मुझे पहली दफ़ा बुलाया था, फिर उसके बाद सुल्ताना आपा ने और अफीफा ने और फिर बहुत सारे लोगों ने, फिर तो सबके साथ ही काम करते रहे, पूरे पाकिस्तान में काम करते रहे। बिल्कुल। तो पहला वो सॉन्ग कंपटीशन था। अच्छा सलमान साहब, मुझे आपसे क्वेश्चन करना है कि आपने भी तो बहुत सारे शोज़ की मेज़बानी की है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अच्छा, मेज़बानी मैंने खैर कहना चाहिए मैं प्लान करके नहीं आया था, मगर एक शो मैंने म्यूज़िकली था, वो अफीफा साहिबा का प्रोग्राम था, वो मैंने उन्होंने कहा तुम ही कर लो ना इसकी मेज़बानी, क्योंकि थोड़ा सा म्यूज़िक में उसमें जानना ज़रूरी था। सुरों के रंग उसका नाम था। अच्छा। वो मैंने पहली दफ़ा यहाँ से कंपेयरिंग शुरू की थी, फिर ज़ाहिर है फिर मौका मिलता रहा, मैं करता रहा। आखिरी प्रोग्राम बज़्मे मेहदी हसन जो बहुत अरसे चला और बहुत मकबूल है और आज तक मकबूल है, अमजद शाह साहब ने प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोग्राम आखिर में यहाँ से किया और दूसरे चैनल से भी करता रहा हूँ और यहाँ से पीटीवी से भी करता रहा। मगर मैं एक बात बताऊं, मेज़बानी जब भी मैंने की है मुझे हमेशा कनेक्ट करता था मैं जो नाज़रीन देखने वाले हैं जिन्होंने पहले देखे हैं, और ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था ना, उस वक्त लाहौर से प्रोग्राम होता था महफिल। ओके। अब उसमें जो ब्लैक एंड वाइट था, लाइव रिकॉर्ड हो रहा होता था म्यूज़िक, मज़े की बात यह थी कि उसमें गा रहे हैं लेट सपोज परवेज़ मेहदी साहब, सामने कौन बैठा हुआ है? फरीदा खानम साहिबा। सामने कौन बैठा हुआ है? मलका पुखराज साहिबा। सामने कौन बैठा, यू नो, सामने बैठ के सुन रहे हैं, कतील शफाई साहब, सलामत खान, जी जी, इतने बड़े बड़े नाम उस महफिल में बैठे होते। उसका रंग जो है मैंने कभी अरे वैसा रंग देखा ही नहीं, वो ब्लैक एंड वाइट के जमाने का रंग था। तो वो मेरे जहन में बसा हुआ था कि उस तरह की महफिल होनी चाहिए। तो इसमें खासतौर पर बज़्मे मेहदी हसन में अमजद शाह साहब ने ये कोशिश की कि उसी तरह के एक रंग पेश किया जाए जिसमें बड़े बड़े, अब हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, फैसल गा रहे हैं, बैठा हुआ कौन है? उस्ताद रईस खान साहब, बताइए बैठा हुआ कौन, यू नो, इनके सामने गाना, कभी आलमगीर साहब गेस्ट आ रहे हैं, कभी आलमगीर गेस्ट आ रहे हैं, न्यास साहब बैठे, न्यास साहब बैठे हुए, तो वो उसका मज़ा अपना है, अपना था। उसका उसका माहौल ही डिफरेंट है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे कि होस्टिंग करूँ, की मैंने बहुत थोड़ी बहुत जो पसंद आई, बहुत अच्छी की आपने, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, वो तो इतना नेचुरल प्रोग्राम था जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो जो महफिल वाला जो एक प्रोग्राम होता था उसमें तो जूतियों का ढेर भी ऑर्गेनिक पड़ा हुआ, कितना नेचुरल लगता है, चाय भी आ रही है बीच में, गाना भी हो रहा है, बड़ा नेचुरल लगता था, उसकी क्लास ही अलग थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, मुझे आप ये बताएं कि आपकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, आपको कभी फिल्म्स में फिल्म्स ऑफर हुई हैं? नहीं, मुझे फिल्म का मुझे खुद कोई मैंने कोशिश नहीं की, सच्ची बात है। मैं जिस वक्त निसार बज़्मी साहब, चूँकि फिल्म म्यूज़िक के ही वो उनका रहा है, फिल्म के ही म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं वो सारी उम्र, लेकिन जब वो रिटायरमेंट की एज में आ गए और उन्होंने सिखाना शुरू किया, अपने घर में बच्चों को सिखाते थे, तो उस वक्त फिल्में उनके पास नहीं थी या वो अच्छा। उससे अलग हो चुके थे, तो ऐसा सच फिल्में बनती भी लाहौर में ज़्यादा है, कराची में बहुत कम बनती थी। कमर्शियल फिल्म की थी इन्होंने एक 1.5 लाख रुपए वाली कश्मीरी शॉल पहन के। अच्छा, मेरा आप तीनों से सवाल है कि बज़्मी साहब के आप तीनों शागिर्द हैं, आखिर दिल में ऐसा क्या ख्याल आया कि आप तीनों ने उनके स्टूडेंट बने? अच्छा देखें, ये लोग अपना अपना वो ज़ाहिर बाकायदा शागिर्द रहे, इन्होंने बैठ के सामने सीखा है। मेरा अपना बता देता हूँ कि पहली चीज़ तो यह है कि हम कराची में रहते हैं, कराची के अंदर जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, बहुत बड़ा एक पोर्शन म्यूज़िक डायरेक्टर्स का लाहौर में था। कराची में बज़्मी साहब थे, सुहेल राणा साहब थे, न्याज साहब थे, ये सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो हैं जो कराची में थे। बज़्मी साहब के साथ इंटरेक्शन जब आप करते थे ना, उनकी नॉलेज ऐसी थी
कि जब वो गाना लिख के मैंने तो इन्हीं स्टूडियोज़ में ये तो नहीं था बहरहाल दूसरा जो स्टूडियो होता था उसमें जब उनको रिकॉर्डिंग कराते हुए देखा है तो ये म्यूजिशियन ने सारे बताएंगे वो पूरा लिख के लाते थे एक नोट इधर से उधर नहीं हिलने देते थे अच्छा। अगर कोई ये कह देना कि इसकी जगह मैं ये पीस लगा दूँ तो फिर उनका गजल देखने वाला परफेक्शनिस्ट प्लस जो उनका बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोर है वो बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर में नजर आएगा जो बैकग्राउंड स्कोर बजबी साहब ने भजवाया वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो उससे मैं तो इतना इम्प्रेस था कि मैं उनके साथ बैठ के बातें ही करना उसी से सीखना वो करेक्ट भी कराते रहते थे इन लोगों ने बाकायदा सीखा है तो इनको तो यू नो बाकायदा उन्होंने बैठ के हमने तो उनके साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स भी की हैं उनके साथ घर में उनके साथ बैठ के ड्राइंग रूम में सीखा भी है रियाज किया है और तनवीर साहब ने तो उनके साथ ट्रैवल भी किया है अच्छा वाओ बहुत सारे लाहौर में और कराची में तो अगर पीटीवी पे उनकी रिकॉर्डिंग होती तो हम उनके साथ ही होते थे अच्छा। और उनका बैग उठा रहे हैं उनकी चीज़ें उठा रहे हैं कभी शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी में कभी ईएमआई में और जो भी उनकी रिकॉर्डिंग होती थी हम तो इसलिए जाते थे उनके साथ कि एक तो हम सीखते थे बहुत ज़्यादा तो सबसे पहले जब हम उनसे सीखने मैं गया था ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूँगा कि जब मैं उनसे सीखने गया था तो मुझे गाने का शौक़ था कि मैं कुछ गाना मुझे सही आ जाए थोड़ा उनसे मैं सीख लूँ लेकिन जब उनको काम करते देखा तो फिर अब मुझे शौक़ हुआ कि मुझे म्यूज़िक भी देना है इनकी तरह मुझे कंपोज़र बनना है मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है मुझे म्यूज़िक अरेंजर बनना है और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो एक ऐसा सफ़र था जो उनके साथ 5-6-7 साल जो गुजरे हैं वो बहुत कुछ सीखा मैंने सर मैं आपकी तरफ आऊँगी आप बज़मी साहब पर एक किताब भी लिख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बताएँ लिख भी चुका हूँ मुकम्मल हो गई है कोशिश कर रहे हैं कि इस दिसंबर में वो किताब उसकी रूनुमाई भी हो जाए उसकी ये पाकिस्तान की पहली किताब है जो किसी म्यूजिक डायरेक्टर पर लिखी गई है और इसकी ऑडियो बुक भी बना दी है हमने नरेट कर दी है पूरी किताब और उसमें बज़मी साहब के ओरिजिनल गानों के चंक्स भी हमने लगा दिए हैं तो वो किताब इंशाल्लाह ताला हमारा रैकेट लेबल जिसका मैं नुमाइंदा हूँ तो हमने एक बड़ा काम किया है रागमाला के बाद एक बड़ा प्रोडक्ट हमारा यह होगा इंशाल्लाह तो हम इसको जल्द लॉन्च करने वाले हैं और वो किताब जो है उन मुशाहिदात पर एक तो बायोग्राफिकल पार्ट है जो बज़मी साहब ने मुझे खुद लिखवाया है उनकी आवाज़ में मेरे पास महफूज भी है सही, दूसरा उसमें वो मुशाहिदा है जो मेरा अपना मुशाहिदा है तीसरा वो उस दौर की जो म्यूजिकोलॉजी है जो उस दौर की फिल्मोग्राफी है जो बाकी मौसिकार क्या कर रहे थे मतलब बज़मी साहब अगर 78 में इंतखाब बना रहे थे तो कमाल अहमद क्या कर रहे थे नाशाद क्या कर रहे थे खलील अहमद क्या कर रहे थे तो उस पूरे दौर का अहाता किया है उसमें कोई 350 की किताब है अच्छा तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर सर सब अब हमारे शो का टाइम तकरीबन ख़त्म होने को है तो हमारे व्यूअर्स जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको अगर आप कोई बात कहना चाहें तो ज़रूर प्लीज़ बात तो मैं सिर्फ इतनी सी करना चाहूँगा कि म्यूज़िक में ख़ासतौर पर नई जनरेशन के लिए हर जॉनरा को सुने ज़रूर अभी किसी चीज़ को बंद ना करें कि ये गज़ल तो मेरा स्टाइल ही नहीं ऐसा नहीं उसको भी सुने यकीनन एक उम्र के साथ भी एक पुख्तगी आती है और ये जो पाकिस्तान टेलीविज़न का इतना सारा ज़खीरा है ना तो जाएं इंटरनेट पे सर्च करें और देखें कैसा कैसा गाना बना है किस किस उस्ताद ने लिखा किस किस उस्ताद ने गाया किस उस्ताद ने कंपोज़ किया और जब वो थोड़ा सा सुनेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितने बड़ा ज़खीरा था हमारे पास और है बिल्कुल तो हर जॉनरा को सुने ज़रूर बिल्कुल सर आप देखें जी पीटीवी से ही आगाज़ हुआ था पीटीवी ही एक ऐसा चैनल है एक ऐसा मीडियम हमारा कौमी चैनल है कि इससे रहना है और वो जो सफ़र शुरू किया था इंशाल्लाह म्यूज़िक का मैं तो म्यूज़िक की बात करूँगा वैसे तो ड्रामा म्यूज़िक हर चीज़ पीटीवी से ही स्टार्ट हुई लेकिन जो म्यूज़िक स्टार्ट हुआ और जो एक सुनहरा दौर गुजरा है 70s में 80s में और जो हमने अभी शो रील में देखा है मैं समझता हूँ कि इसको कम से कम थोड़ा बरकरार रहना चाहिए आजकल कुछ काम बहुत कम हो रहा है इस हवाले से लेकिन मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो बड़े हैं जो इनको देख रहे हैं कि उस चीज़ को वो जो रिवाइव करने की बात है ना वो रिवाइव ये है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स दोबारा और स्टार्ट होने चाहिए बिल्कुल और नए नए टैलेंट को उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए
नई गज़लें कंपोज हों, नए गीत कंपोज हों और नए शोरा का कलाम उसमें गाया जाए, उसको कंपोज किया जाए, तो ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ भी है और कर्ज भी है। बिल्कुल, ज़रूर। थैंक यू सो मच। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हम लोगों के पास तशरीफ़ लेके आए, हमारे नाज़रीन और हम लोगों को आपने इतना कीमती टाइम भी दिया और बहुत खूबसूरत म्यूज़िक भी सुनाया, जो कि आज मौका है पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी का और इस खुशी के मौके पर आप लोग इसमें शरीक हुए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। नाज़रीन, सफ़र मोहब्बतों का पाकिस्तान टेलीविज़न की 59 एनिवर्सरी की खसूसी नशरियात लिए कल भी हम आपके साथ होंगे और इस मोहब्बत के सफ़र को 26 नवंबर तक जारी रखेंगे, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। अल्लाह हाफिज़।